प्रखंड सहकारी दुग्ध संघ के कार्यपालन अधिकारी के कार्यकाल की जांच की मांग को लेकर यूथ कांग्रेस ने संभाग आयुक्त को एक ज्ञापन सौंपा है। यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष राहुल चौबे के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने संभाग आयुक्त वीरेंद्र रावत से मुलाकात की और हेमराज पटेल के खिलाफ शिकायती आवेदन सौंप आरोप लगाया कि जब से उन्होंने बुंदेलखंड सहकारी दुग्ध संघ के मुख्य अधिकारी का दायित्व संभाला, भ्रष्टाचार का गढ़ कार्यालय को बना दिया है, जहां कुशल श्रमिकों की नियुक्ति में तय नियमों की अनदेखी कर व्यक्तिगत लोगों को लाभ पहुंचाया जा रहा है, साथ ही नियम विरुद्ध तरीके से पदोन्नति भी की जा रही है। अपनी शिकायत के संबंध में कांग्रेसियों ने कुछ प्रमाण भी संभाग आयुक्त के सामने रखे और ऐसे भ्रष्टाचारी अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठाई। यूथ कांग्रेस ने स्पष्ट किया कि 7 दिवस के भीतर उनकी शिकायत को संज्ञान में लेकर जांच कर कार्रवाई नहीं हुई तो यूथ कांग्रेस दुग्ध सहकारी कार्यालय का घेराव भी करेगा। पूरे मामले में संभाग आयुक्त ने प्रतिनिधि मंडल को आश्वस्त किया है कि वह मिली शिकायत की जांच कराएंगे और नियमानुसार जो तथ्य सामने आएंगे कार्रवाई होगी। ये बुंदेलखंड सहकारी दुग्ध संघ में जो पदस्थ है मुख्य कार्यपालन अधिकारी हेमराज पटेल, उनके द्वारा दुग्ध संघ में अनैतिक गतिविधियां एवं चोरी की जा रही हैं, जिसके संबंध में हम लोग ने आज यूथ कांग्रेस के द्वारा अपना जिलाध्यक्ष राहुल चौबे जी के साथ में आवेदन दिया है कमिश्नर साहब को, जिसमें उन दस्तावेज भी प्रस्तुत किए हैं कि किस तरह वहाँ पर अनैतिक गतिविधियाँ हो रही हैं और उसकी अनैतिक गतिविधियों में वहाँ पे जो महाप्रबंधक हैं अशोक खरेजी, उनके द्वारा भी पत्र जो चोरी के लगाया आरोप लगाए गए हैं, मतलब वहाँ पर हो रही हैं, उनके द्वारा भी अपन को पत्र दिया गया है, वो भी संलग्न किया गया है और निडर होकर वहाँ पर टैंकरों की चोरियाँ की जा रही हैं। दूध से भरे हुए टैंकर जा रहे हैं, यदि 5 टैंकरों जा रहे हैं दिन में दूध के, तो 1 टैंकर बिना चालन के जाता है वहाँ पर, वहाँ से इसी तरह वहाँ पर स्क्रैप का सामान जो है वो रातों रात चोरी किया जा रहा है। दुग्ध संघ की जो बाउंडीवाल है वो टूट गई है, इसके संबंध में वहाँ के अधिकारी द्वारा थाना मकरोनिया में शिकायत भी की गई है, जिसका अभी तक कोई निराकरण नहीं हुआ है। वहाँ पर पदस्थ जितेंद्र गहलोत जो कि मैनेजर हैं, वो वहाँ पर अनैतिक गतिविधियों को पूर्ण तरीके से फैला रहे हैं, जिसका संरक्षण मुख्य कार्यपालन अधिकारी हेमराज पटेल के द्वारा किया जा रहा है। अब आप क्या चाह रहे हैं? ये मेरा निवेदन यह है कमिश्नर साहब से और आपके माध्यम से कि जो वहाँ पर भ्रष्टाचार फैलाया जा रहा है, किसानों का दूध जो अनैतिक रूप से बेचा जा रहा है, उसको उसकी भरपाई की जाए राशि की, जो भी इन्होंने घोटाला किया है जांच कर, और इनको उस पद से हटाया जाए और उनके द्वारा जो नियुक्त प्रभारी हैं जितेंद्र गहलोत, ज्योति शर्मा, इनको भी उन पदों से हटाया जाए ताकि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाया जा सके। बुंदेलखंड सहकारी संघ के द्वारा लगातार अनियमितताएँ और भ्रष्टाचार किया जा रहा है। वहाँ के जो मुख्य इंचार्ज है हेमराज पटेल द्वारा लगातार अनियमितताएँ, भ्रष्टाचार और श्रमिकों की बिना उनके कुशलता के देखते हुए उनकी पदोन्नति की जा रही है। लगातार इसमें कई समय से देखा जा रहा है कि भ्रष्टाचार और इस प्रकार के अनैतिक कार्य किए जा रहे हैं, जिसके संबंध में आज हम लोग कमिश्नर साहब के पास में आके ज्ञापन सौंपा और उनसे मांग की है कि इसकी जांच करके और हेमराज पटेल के ऊपर कार्रवाई की जाए और इसमें जो भी लिप्त अधिकारी हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। क्या आश्वासन मिला है? संभागीय कमिश्नर साहब ने बोला कि इसकी जांच करेंगे और अगर 7 दिन के अंदर अगर रिजल्ट नहीं मिलता है, जाँच नहीं करते हैं, तो पुनः बड़े रूप में आक्रामक रूप में हम लोग कार्य करेंगे और पुनः हम लोग इनको सचेत करने आएंगे कि अगर कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम लोग है ना वहाँ का घेराव करेंगे।